अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम खबर और खबर पहलगाम से ही है। गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किए जा रहे, कई जगह पर पथराव भी हुआ है। इन्हीं खबरों के दरमियान बेलगाम शहर फोर्ट रोड पर नूपुर शर्मा के पुतले को लटकाया गया था, जिसकी चर्चा भी आज दिन भर नेशनल चैनलों पर देखी गई। कैसे भाजपा का प्रचार तंत्र काम करता है, इससे आप महसूस कर सकते हैं। एहतजाज करना संवैधानिक हक है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की बिना पर ना सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर भारत को जिल्लत उठानी पड़ रही है। लिहाजा फोर्ट रोड पर लटकाए गए पुतले पर भी किस तरह हंगामा बर्पा किया गया, इसकी मिसाल आज देखी गई। ताज्जुब तो इस बात पर होती है कि गोदी मीडिया बौखलाकर तालिबानी अंदाज में नूपुर शर्मा के पुतले को बेलगाम में लटकाया गया, कहते हुए देखा गया। आप थोड़ा ये क्लिप देखिए कि किस तरह से गोदी मीडिया एक नैरेटिव चलाने की आज कोशिश की। जिस तरह से यह पुतला लटकाया गया उस पर तो आपने देखा कि गोदी मीडिया किस तरह से बौखलाहट नजर आ रही थी कि तालिबानी अंदाज में नूपुर शर्मा के पुतले को बेलगांव में लटकाया गया, ऐसी हेडलाइन भी लगाई गई। जिस तरह से सीना पीट रहे थे, गोदी मीडिया की बौखलाहट महसूस की जा रही थी। मामला दर्ज हुआ है और आरोपियों को तलाशने की भी बात मीडिया को कहते हुए देखा गया था। लेकिन क्या वाकई इतना बड़ा मामला था जिसकी खबर को नेशनल चैनलों पर शाया किया गया, जबकि सभी जानते हैं कि आए दिन हिंदुत्ववादियों की जानिब से अजान स्पीकर हलाल हिजाब को लेकर मनमानी बयान दिए जाते हैं। क्या कभी उन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए जिन्होंने शहर की फिजा को आलूदा बनाने की कोशिश बारहा की है? बजाय इनके बयान पर मुकदमे दर्ज करने के, इनके मुतालबात पर तहकीक की बात की जाती है। आज फिर रामसेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक ने नूपुर शर्मा की हिमायत की। इससे पहले भी कई बार बेलगाम और दीगर रियासतों के शहरों में एक समाज को निशाना बनाया जाता रहा है। खुद अजान के स्पीकर निकालने की धमकी यही रामसेना का मुखिया देता रहा। क्या ऐसे लोगों पर कभी कार्रवाई की गई? महज एक पुतले पर हंगामा करने वाले जब चन्नम्मा सर्कल में आए दिन सियासी लीडरों के पुतले जलाए जाते हैं, क्या कार्रवाई होती है क्या? ऐसा भी सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। महज एक मजहब के मानने वालों को निशाना बनाने की आदत अब कईयों को लगी हुई है। अगर आप थोड़ा भी रद्द अमल करने लगते हैं तो हंगामा खड़ा कर दिया जाता है, कोई भी किसी भी धर्म का हो। अगर गैर संवैधानिक काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन महज एक ही समाज की नफरत को जरिया बनाकर कार्रवाई की मांग करना गलत है। अगर वाकई कोई काम संविधान के विरोध में होता रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर एक पर कार्रवाई हो। क्या जिस भाजपा एमएलए ने शाही मस्जिद का मामला छेड़कर शहर के पुरसुकून माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की गई थी, क्या इस पर कार्रवाई हुई? लेकिन अगर कोई जमहूरियत के दायरे में एहतजाज करता और एहतजाज सत्ताधारियों के विरोध में होता है तो कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगती है। आज गोदी मीडिया का रवैया मजम्मत के काबिल है। जितने भी न्यूज चैनलों ने इसे तालिबानियों की तरह लटकाने की खबरों को चलाया है, इन पर भी मुकदमे दायर किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत को जब से नूपुर शर्मा ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है, दुनिया भर में फजीहत का मुंह देखना पड़ रहा है। पूरे मुल्क में फसाद का माहौल बना हुआ है और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज तकरीबन 9 रियासतों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। झारखंड रांची, यूपी कानपुर और बंगाल में पथराव की वारदातें हुई। यूपी में तो कई जगहों पर हजारों की भीड़ गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर सड़कों पर उतरी। जुमा नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर कर नूपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई की मांग करते देखा गया। पथराव में कई पुलिस जख्मी हुए हैं तो कईयों की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला शायद और बढ़ सकता है, ऐसा डर भी महसूस किया जा रहा है कि कहीं पूरा मुल्क तशद्दुद की जद में ना जाए। लिहाजा अब यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, रशिया ने भी भाजपा तर्जुमान नूपुर शर्मा के बयान की मजम्मत करते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा तशद्दुद की आग और भड़काने से पहले ही नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है और जो लोग नूपुर शर्मा की हिमायत भी करते हैं, मुल्क में फसाद का माहौल बना हुआ है, इन पर भी कार्रवाई की जाए। बेलगाम शहर में आए दिन बाहर से कोई अपने आप को हिंदुत्ववादी समझकर बयानबाजी करके घटिया मकबूलियत हासिल करने वालों पर इंतजामिया को चाहिए कि कार्रवाई करे। बेलगाम फोर्ट रोड पर नूपुर शर्मा का पुतला लटकाया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने उतार दिया। कुछ मकामी न्यूज पोर्टल पर भी नूपुर शर्मा के पुतले को लटकाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। अब कुछ मीडिया वालों को मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर कोई एतराज नहीं, बल्कि वो तो अमन का पैगाम देते हैं, लेकिन नूपुर शर्मा की मजम्मत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जाती है। उस वक्त कहां जाते हैं ये लोग जो भी शहर के पुरअमन माहौल को किसी धर्म, भाषा, जात पात का लिहाज ना करते हुए कार्रवाई करे, क्योंकि शहर का अमन बहुत जरूरी है। लेकिन शरपसंदों को खुला छोड़कर महज एक समाज को सिर्फ अपनी नाराजगी का इजहार करने पर कार्रवाई शायद इंसाफ नहीं होगा। नूपुर शर्मा ने जो किया है उसे तो हर धर्म मजहब के लोगों को आगे आकर
कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन जब हर मामले में धर्म को दरमियान में लाया जाता है, ये आने वाले दिनों में अवाम को समझने की जरूरत है। अगर इसी तरह एक दूसरे धर्म को भला बुरा कहकर कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज दुनिया भर में महज भाजपा की बयानबाजी और बड़बोले नेताओं की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मामला क्या बेलगाम का है, क्यों ये पुतला लटकाया गया, कहने वालों को समझना चाहिए कि मामला किसी एक धर्म की आस्था का है। आस्था सिर्फ एक धर्म की नहीं होती, लिहाजा सभी को सभी धर्म के आस्था जज्बात की कदर करनी चाहिए। एक छोटे से मामले को गोदी मीडिया कैसे उछालती है और इसका मुआवजा तालिबान से करती है, तो ऐसे मीडिया वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दो धर्मों के दरमियान नफरत बोते रहते हैं। आज तकरीबन 9 रियासतों में एहतजाज किए गए जिसमें 4 जगहों पर फसाद बर्पा हुए। रांची में पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की गई। दिल्ली, सहारनपुर, रांची, हैदराबाद, कानपुर में जोरदार नारेबाजी के साथ नूपुर शर्मा को फांसी की सजा की मांग की गई। रांची में पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल हुए। आखिर नफरत की सियासत करने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, यही आज एहतजाजियों का सवाल था। क्या वाकई इस तरह का माहौल मुल्क की तरक्की की राह में रोड़ा तो नहीं, लिहाजा ऐसे माहौल को बनाने वाली नूपुर शर्मा और भाजपा के दिगर लीडरों पर कार्रवाई की जरूरत है ताकि मुल्क में अमन बरकरार हो और मुल्क अमन के माहौल में ही तरक्की कर सकता है। क्योंकि पहले से ही गिरता रुपया, महंगाई, बेरोजगारी, बेहाल अवाम और मुल्क में धर्म के नाम पर तशद्दुद कहीं मुल्क को ही ना ले डूबे, इस पर तवज्जो की जरूरत है। आज बाशेबान हाई स्कूल में मैथमेटिक्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का एहतमाम किया गया था जिसमें 10वीं के छात्रों ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। बाशेबान हाई स्कूल और टीपू सेना रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से ये मैथमेटिक्स के मुकाबले रखे गए थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
आज का ये जो मुकाबला रखा गया है मैथमेटिक्स टैलेंट रिसर्च कॉम्पिटिशन वाशिफान हाई स्कूल जलगाम भेंडी बाजार में रखा गया है, तो ये मुकाबला टीपू सेना रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है, जिसमें 13 स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया है। ये मैथमेटिक्स का मुकाबला है, हर स्कूल से 5 बच्चों ने हिस्सा लिया है। तो इस मुकाबले से हम बच्चों का जो मियार है मैथमेटिक्स का, इससे जो है इस कॉम्पिटिशन के जरिए से हमें मालूम होगा कि बच्चों का, हमारे जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनका मैथमेटिक्स लेवल जो है हमें मालूम होगा। तो इसके इस मुकाबले के लिए हमें टीपू सेना का बहुत जो है साथ मिला, और हमारे वाशिफान एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी दस्तगीर आगा सर, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत की और हमें जो है ऑनलाइन से हमारे लिए सहूलियतें फ्राहम की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो है बड़ी खुशी हो रही है कि 13 स्कूल्स के बच्चों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुकाबला हर साल इसी तरह से चलता रहे और जो है बच्चों को मौका मिले अपना अपना जो है टैलेंट जाहिर करने का। तो बस जो है मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।